नमस्कार दर्शक बंधु, सकाळ खबर ट्रैवल ओडिशा कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुचु कि आज रखीचु केउंझर जिला कि ओडिशार खणी जिला भाव में बेस जनाशुना जिला केउंझर जिला रो आमे आसीचु कि बडबिल सहर ठारु 8 किलोमीटर दूर अवस्थित झिंकरा जलप्रपात। झिंकरा जलप्रपात प्राकृतिक भरा सौंदर्य भरा गंतव्यस्थळी एवं एठाकु प्रत्येक मासरे एवं प्रत्येक दिन एठाकु लोक आसी थांती, पर्यटक आसी थांती बुलिबा पाई एवं कि एठिकार जल जो रही जो झरणा रही पानी भी बहुत शुद्ध एवं सीधा सड़क देखि पारुथिबे कि केते सुंदर भाव रे एठी प्राकृतिक सौंदर्य भरा गंतव्यस्थळटी अछि एवं कि झिंकरा नामरे नामित एवं कि जिबा आसीबा पाई एठिकार रास्ता एते भलो नुह कि गोटे किलोमीटर दूर रे गाड़ी रखिकि चालिकि आसीबा पाई पड़िथाय। यही घ घ चलचंचल दुनिया रे आम समस्ते कार्य व्यस्तार निजक भूली जाती आते बड़े आम मैने निजर नीतिदिन कार्यर क्लांत हो जाती सेत प्रकृति मार से शांत पणत टे मुंड गुंजी आश्वस्ति चाहती प्रकृतिर कलाहल सेत आश्वस्ति दिए जिते बहा इंद्रधनुर सबुज रंग को निज देह बड़ी था आपंती कि केन्दुझर जिले में प्रकृति मार एपरी किसी लंबा पणत रही जोठाक थे गले हजिजा को इच्छा हो धूली धूआ परिपूर्ण यह परिवेश रे या सृष्टि एक बरदान कहले अत्युक्ति हेबना पंच अरण्य अवस्थित बलाणी झिंकिरा जलप्रपात पहाड़ उपर 100 मीटर पाखापाखी पानी पड़ीबार दृश्य एक नैसर्गिक वातावरण सृष्टि करे। स्थानीय लोकों कहिबा अनुसार राज्य ओटीडीसी चाहिले एही जगार विकास हो पारिबो ओ एहार दृश्यपट मध्य बदली जाय पारिबो जहाद्वारा एक पर्यटन स्थली भाव राज्य तथा राज्य बाहर लोक यह सौंदर्य को उपभोग करें। किसी पर्यटक भी आज आसी जेहेतु कि वर्तमान एवं ग्रीष्म ऋतु चली जहाँकि 40-41 डिग्री सेल्सियस तापमात्रा रही किसी पर्यटक यहाँ आसी सीधा सख्तर प्रतिक्रिया रखा कमी लगुच आपण अनिता भौमिक कौटू आसी चंती मो बड़बिल ये बीजेपी महिला मोर्चा प्रेसिडेंट बड़बिल आसी मुझे झिकरा जलप्रपात देखापी बहुत सुंदर जगह यहाँ बहुत समस्त को बहुत भल लगुच आमको आसिक बहुत भल लगला ये आउ देखु जिते जावा आसवा जो रही रास्ता तो कौन कहे आम यहाँ चाहूँ पर्यटक पर्यटक स्थल हिसाब मानने लोक मान बहुत लोक जाणी ना ये मैंने ये लोक मान रास्ता बहुत मानने और रास्ता तो भल ना से रास्ता बनईदे लोक मैंने आसिक टूरीस्ट मैंने आसिक ये देखिपारे बाहर भी लोक मैंने आसिक ये जलप्रपात देखिले आम बड़बिल सहर नाम हे आम चाहूँ कि यार विकास हो सरकार यार मानने ये करूँ डेवलप करूँ डेवलप हेल्ले बाहर लोक मैंने आसवे ये पर्यटन स्थल तो आ गए जिनस पचारक चाहिए जेहेतु कि खरा दिन चली आसी कमी अनुभव कर बहुत भल बहुत पीसफुल लगी आम मैंने एत खड़ा ये जना पड़े एम लगुच सेकेंड काश्मीर आम अच्छा बहुत भल लगुच आसिक जावाक मन ना कि पर्यटक आम पाखे अच्छा प्रतिक्रिया रखा आपण अमित कुमार जेना आम बलाणी में ही रोचु ये आम टेम्परली जब पर्पज रे हिं अच्छा तो यहाँ को आसी जो जलप्रपात रही जो झिंकरा जलप्रपात रही कमी लगुच नहीं जगह तो बहुत बढ़िया कारण आम ये आज हम 7 टाइम ही भिजिट कलु आउ वीकेंड चिल पाई फ्रेंड्स मान सहित हो फैमिली टाइम हो स्पेंड करने बढ़िया जगह कारण बाहर तो आपन देखुं केते हॉट वेदर रोचे जहाँफल कि आम ये गोटे मानने ठंडा जेहेतु एरिया गोटे वेदरटा बहुत चिल रोचे से आम ये आसुचु मझे मझे जमी किसी फैमिली मान सहित है फ्रेंड्स मान सहित है आ पिकनिक भी भल अच्छी केवल जगह को टी जा आसवर जहाँ प्रोब्लेम होता नहीं कि कारण एत बाटर गाड़ी थोक आसवा पड़ी जदि ताको किसी
पाथवे कराए कि आउटे हाउस किपिंग ध्यान दि जाए जमी बहुत अलिया होकर पड़ू तो से प्रति टे ध्यान दे भल हाँ कारण एटिक तो एनी टाइम आम विकली प्राय दुई विक तीन विक्रे थे लेखा भिजिट करूँ आ बहुत बेटर प्लेस आउ जे आम पाखे पर्यटक अच्छा भी प्रतिक्रिया रखा मैडम आप पुष्पलता बेहरा कौटू आई बलाणी हिं रहे तो यहाँ आसी जेहेतु झिंकरा जलप्रपात को आसी अनुभव कर जगह तो बहुत बढ़िया आम प्रत्येक मस प्राय प्रत्येक मस गोटे छुट्टी दिन आम ये करूँ आज एक्चुअली मो हजबैंड को बर्थडे था तो आम सेलिब्रेट करा आसलु गरम रु एरिया एत गरम नुह कि ये बर्तमान जो आम जो जगार अच्छा ये थंडा एरिया आसिले मानने कौन कहती मानने पूरा शांति मिल कौन बहुत थंडा और बहुत बढ़िया जगह आपड़ जी जिते बड़े पारे मुझे भावुची गरम दिन यहाँ आम ओडार तो गोटे वन अफ द बेस्ट एरिया आम पाखे आउ जे पर्यटक अच्छा जहाँकि आसी आज और सीधा साल भी प्रतिक्रिया रखा आप राधिका देवी कौटू आसी बड़बिल जेहेतु एठाक आसी किंती लगुच भल लगुच बहुत शांति भी मिली एठिकार जो मानने एठिकार तापम्रा आमर जो बड़बिल तापम्रा तो बहुत डिफरेन्स अच्छी जना ही पड़ते ना कि यहाँ कौन मैंने आम ग्रीष्म ऋतु आसीचु बुलिका ये बहुत भल लगुच बहुत शांति लगुच से आम आसीचु बुलीचु मानने मन शांति लगे आसीचु आ मन शांति भी होगा आसिका धन्यवाद दर्शक बंधु देखुले कि केउंझर जिला खणी जिला केउंझर जिलार जो झिंकरा जलप्रपात आम एठाक आसी आज ट्रैवल ओडिशा कार्यक्रम आम देखाइलु एठाक दृश्य और देखिकी आपन को कौन लगुच गोटे जगह को आम जीव जहाँ कि रही बड़बिल ठारू बार रु 13 किलोमीटर दूर अवस्थित यही झिंकरा जलप्रपात ठारू 5 किलोमीटर दूर अवस्थित पाचेरी जलप्रपात सेटा को चलतु जावा सेटाकार सौंदर्य भरा दृश्य को उपभोग करवा दर्शक बंधु आम आसी पहुँची जाइ पाचेरी जलप्रपात जहाँकि केउंझर जिला खणी जिला भाव में बेस्ट जनाशुना जिला केउंझर जिलार जो बड़बिल सहर रही बड़बिल सहर 13-14 किलोमीटर दूर अवस्थित जो बलाणी रही बलाणी पाचेरी जलप्रपात को आम आसी पहुँचीचु एठार परिवेश कह बहुत प्राकृतिक भरा परिवेश प्राकृतिक गंताघर कह कि अत्युति हम ना कहीं पाचेरी जलप्रपात देखि पारुथिबे तार सौंदर्य भरा जलप्रपात जहाँकि घंच जंगल भितर रही जलप्रपात जहाँकि विभिन्न जगार पर्यटक आसी था शीत ऋतु खरा दिन आज कि पर्यटक आसी चलतु ठीक से हीपरी बड़बिल ठारु मात्र 16 किलोमीटर दूर किरीबुरु निकटस्थ घंच अरण्य भितर पाचेरी जलप्रपात थरे ए स्थान रे जे पाद थापिची फेरिबाकु मन कुलाइ नाही धूली धुआ परिपूर्ण यह परिवेश रे या सृष्टि एक बरदान कहिले अत्युक्ति हेबो नाही आज जो कि आम आसीचु पाचेरी जलप्रपात एठाकू किसी पर्यटक आसी आज प्रतिक्रिया भी रखा आपका नाम प्रिया रंजना कहाँ से आए
बिहार से। तो यहाँ पे जैसे कि आए हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। तो देख पकड़ लीजिए कि अभी जो कि समर सीजन चल रहा है, तो बहुत गर्मी का मौसम है, यहाँ पे आके कैसे महसूस कर रहे हैं? जैसे आते वक्त मुझे बहुत गर्मी लग रही थी, तो घूमने ही आए थे, तो बहुत ही मतलब ठंडा महसूस हो रहा है, बहुत ही अच्छा है। मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि आना सफल हो गया। दर्शक बंधु सकाल खबर आज ट्रैवल ओडिशा रे हमें आसीथिलु एवं प्रथमे जाईथिलु छिंकरा जलप्रपात जहाँ कि केन्दुझर जिला बड़बिल शहर टारु 8 किलोमीटर दूर अवस्थित बलाणी रे अवस्थित झिंकरा जलप्रपात को जाईथिलु। तापरे एठा को आसीचु रही पाचेरी जलप्रपात जहाँ कि घंच अरण्य जंगल भितर अवस्थित पाचेरी जलप्रपात टी एवं जहाँ कि आपण माने देखि पारुथबे यार सौंदर्य एवं प्राकृतिक भरा जगह ये एवं एठा को आसला माने जहाँ कि आपण को गरम टिके भी अनुभव हबो नाही एवं जहाँ कि विश्वास करिवे ने एठा को जदि थरुटे आसुबे तले आपण को मन मुग्ध हो जीव। आज ट्रैवल ओडिशा कार्यक्रम आज पई एतिकी नमस्कार रहूची जय जगन्नाथ।